तो ये ज़ईफ़ है, लेकिन रिवायत क्या है वो रिवायत आई है, और इसके बरक सही रिवायत है क्या वो भी रखूँगा। वाक़िया सुन लीजिए, वाक़िया ये कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मतलब उस रिवायत के अतबार जो ज़ईफ़ है तिरमिज़ी की, उस रिवायत में अल्फाज़ सुनिए। वो कहती है कि एक रात मैं सोई हुई थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बिस्तर से चले गए, मैं खामोशी से उठी और पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए बकी में पहुंच गए, बकी जो जन्नतुल बकी जिसे हम कहते हैं, जो कब्रिस्तान है, बकी में पहुंच गए, और बकी में पहुँच कर आपने हाथ उठाकर दुआ की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मैं भागने लगी ताकि कहीं रसूलुल्लाह मुझे देख ना ले, मैं दौड़ती हुई पहले पहुंची और आकर बिस्तर पर लेट गई। जब रसूलुल्लाह घर में दाखिल हुए तो आपने देखा मेरी सांस फूल रही थी, आदमी सो रहा है लेकिन सांस स्पेशल फूल रही, मतलब वो पीछे था, तो रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा, ऐ आयशा क्या तुम मुझ पर शक करती हो कि अल्लाह के रसूल नाइंसाफ़ी करेंगे तुम्हारे साथ? तो माँ आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे शक हुआ था, कहीं आप मुझे छोड़कर, चूँकि बारी तो मेरी थी, कहीं आप मुझे छोड़कर जाकर जो है दूसरी बीवी के पास तो नहीं चले गए, मुझे शक हुआ इस चीज़ का, कहीं आप दूसरी अहलिया दूसरी बीवी के पास तो नहीं चले गए आप। ठीक, अब आइए, ये रिवायत ज़ईफ़ थी, याद रखिए हदीस ज़ईफ़ थी। इस हदीस में जो बातें पता चलती है वो ये हैं, सबसे पहले कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बकी गए थे, आपने अपने अहलिया को जो अपने बाजू सो रही थी उसको उठाना भी पसंद नहीं किया। माई आयशा पीछे धीरे धीरे जाकर उस मसले को देखती है क्या हो रहा है, वापस आकर लेट जाती है। अगर नऊज़ बिल्ला माई आयशा पीछे नहीं जाती, वो चीज़ नहीं देखती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात हमसे छिपा ली थी, वो तो कोइंसिडेंस से उठ गई थी तो पता चले। और कहते ये वो रात थी जिस रात को शबे बारात कहते हैं, ये 15 शाबान थी। और फिर जब रसूलुल्लाह ने कहा आयशा मुझ पर शक करती हो, तो कहा मुझे शक हुआ था कि आप दूसरी बीवी के पास चले गए होंगे। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझसे, वो कहती है कि अय आयशा आज की रात की फजीलत है कि अल्लाह सुभान ताला, 15 शाबान की फजीलत है कि अल्लाह सुभान ताला इस रोज़ लोगों की मगफ़रत करता है, और इतने लोगों की मगफ़रत करता है जैसे बनू कल्ब की बकरियों के बाल जितने, उतने लोगों की मगफ़रत करता है। तो यहाँ माई आयशा का अपने शौहर पर रसूलुल्लाह पर शक करना, अगर वो ना जाती तो इस रात का हमसे छुप जाना, क्या आप उम्मीद करते एक रसूल से कि वो इतनी अफजल रात को खामोशी से मनाएं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानों में 10 रातों तक, रिवायत में आता आयशा फरमाती है, हमारे दरवाज़ों पर, अपनी अजवाज के दरवाज़ों पर दस्तक देते और उठा कर कहते जागो इबादत करो, हालाँकि वो 5 में से कोई एक, रसूलुल्लाह पूरी 10 जागते थे। जागो और इबादत करो, ये कदर हो सकती है, जहाँ ये नबी कदर में उठा रहा है वहीं क्या वो नबी 15 को इतनी अफजल रात तो खामोशी से निकल जाएंगे, और माँ आयशा ना उठती तो रात तो छुप गई थी हमसे, है ना। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसके बरक सही रिवायत क्या मैं आपको रखता हूँ, सही मुस्लिम में ये रिवायत आती है और सही रिवायत है ये, उसके अल्फाज यूँ हैं, आप सुन फरमाते हैं, जब तुम सो रही थी, जब तुम सो रही थी मतलब माँ आयशा रसूलुल्लाह के आने के बाद जागी और जाग कर पूछा अल्लाह के रसूल आप कहाँ गए थे, तो रसूलुल्लाह वो वाकया फरमा रहे क्या हुआ, तो फरमाते हैं कि जब तुम सो रही थी तो मेरे पास जिब्राइल आए, आहिस्ता से मुझसे बड़े धीरे से कहा, और मैंने भी जिब्राइल को आहिस्ता और धीरे से वापस जवाब दिया। वो अंदर आना चाहते थे घर में लेकिन इसलिए ना सके, इसलिए कि आयशा तुम कम कपड़ों में थी, क्योंकि तुम सो रही थी अपने हाल में थी, और जिब्राइल ऐसी हालत में मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते थे जबकि तुम कम कपड़ों में सो रही थी, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया, मैं बकी गया था और वहाँ मैंने दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ बकी वालों के लिए मगफ़िरत की दुआ करो, और मैं वहाँ खामोशी से गया और दुआ की। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया कि मैं खौफ रख रहा था कि कहीं तुम्हारी नींद में खलल ना पड़े, और मैंने इसलिए बोलकर नहीं गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें उठा दूँ नींद से और फिर तुम अकेलेपन की वहशत से सो ना सको, तो इसीलिए मैंने ना तुमको उठाया ना तुमको इन्फॉर्मेशन दी क्यों गया, अब जाकर आया हूँ। अल्लाह ने कहा कि मुझे जो है बकी वालों के लिए मगफ़िरत की दुआ करो, मैं मगफ़िरत की दुआ कर कर आ चुका हूँ। आने के बाद आपने पूरा वाक़िया अपने बीवी को बताया, और ये सही मुस्लिम की सही रिवायत है। अब क्या इसके मुकाबले आप वो ज़ईफ़ रिवायत को लेंगे? पूरा वही वाक़िया, वही दुआ का तज़किरा, कोई 15 शाबान का तस्करा नहीं,
کوئی شب برات کا تذکرہ نہیں. اور اس کی شرح میں مفسرین لکھتے ہیں, معاف کرنا جو ہے محدثین لکھتے ہیں اس کی شرح میں, کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخی میں جانے کا جو واقعہ ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنے وفات سے 5 روز پہلے بخی میں گئے تھے, 5 روز پہلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی سب کو پتہ ہے, پیدائش نہ بھی پتہ ہوں گی تو وفات تو سب کو پتہ ہے, وہ ہے 12 ربیع الاول. تو 12 ربیع الاول سے 5 دن پہلے کیا ہوتا ہے 7 ربیع الاول. تو یہ واقعہ ربیع الاول کا ہے, شعبان کا بھی نہیں. تو یہ واقعہ جو لا کر فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں رات میں رسول اللہ گئے تھے وہ بنو کلب کی بکریوں کا واقعہ ضعیف. اور جو صحیح روایت مسلم کی ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں 15 کا, کوئی تذکرہ نہیں شعبان کا, کوئی تذکرہ نہ کسی مہینے کا. لیکن اس کی شرح میں جو ہے جو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا. اگر اس کو نہ بھی مانے شرح کو چھوڑ دیں تو اس واقعے میں کوئی سے, اور اوپر والی روایت ضعیف تھی یاد رکھی. اب تو آپ ضعیف کو مانیں گے اور پورے زندگی کے اعمال اس پہ انحصار کریں گے, ایک صحیح روایت جو آ چکی اس پہ عمل کریں گے. تو صحیح روایت یہ ہے تو میرے بھائی کہیں بھی قرآن سے اور احادیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے, نہ اس رات کا کوئی واقعہ ثابت ہے. اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے, اس کو منانا ثابت نہیں کرتی ہے. صرف فضائل, یہ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ مغفرت کرتا ہوں گا, لیکن ایسی ہی فضیلت کی روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہر رات کی بھی آتی ہیں. ہر رات کو آپ منائیے نا, پھر ہر رات مومن کے لیے جو منانے کی, پھر کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے.